देखिए, अब हम लोग अगर रेशियो की बात करें, यहाँ 8.3 के चल रहा है, 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर मैं इसमें रेशियो की बात करूं तो आप इसमें पाएंगे क्या कि 3:1 का मतलब क्या होगा। अगर मान लो कोई टोटल 4 चीजें हैं, कोई हमारे पास कितनी चीजें हैं, 4 चीजें, इनमें से 3 चीजें एक के पास है। कितनी चीजें हैं, 3 चीजें एक के पास है, मान लो ए के पास है और एक चीज बी के पास है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो जो भी चीज हमारे पास पूरा है उसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया कि अभी हमको 2 लोग हैं तो एक चीज तीन एक तीन चीजें एक के पास है और एक चीज बी के पास है, ठीक है। ए के पास 3 होगी, इसके बाद बी, तो टोटल कितना है, तो टोटल हो गया यहाँ पे को, टोटल थिंग्स हमारे पास जो है वो कितना है, 3 + 1 = 4। तो टोटल 4 है, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 3/4। तो 3/4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, इनटू 100, ये कितना आ गया 25 टाइम, ये कितना 75%। मतलब किसी भी चीज का 75% इसके पास है, 3:1 तो 75% इसके पास है। इसको कैसे कह सकता हूँ, 1/4 × 100। इसका मतलब इसका कितनी चीज होगी, 25% इसके पास होगा। समझ में आ गया, कोई भी चीज है उसका 3:1 लिखा था, उसमें टोटल चीज कितनी है, टोटल कितना हो गया, वो टोटल हो गया हमारे पास 3 + 1 = 4। तो 3:4 = 3/4 लिख सकता हूँ उसको मैं। सिंपल सी बात है, ये तो सबको आता है। अगर किसी के पास 3 चीजें हैं और टोटल 4 ही चीजें हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना, मैं आपको बता चुका हूँ कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी हो, कोई भी रेशियो है। इसको अगला वाला बता देता हूँ, बी वाला देखिए जल्दी से। तो बी पार्ट बोल रहा है हमारे पास 2:3:5, 2:3:5। तो टोटल चीजें देख लो पहले, टोटल कितने, 5 × 3 = 8 + 10। तो टोटल है हमारे पास कितनी चीजें हैं, टोटल 10 चीजें हैं, 2 + 3 + 5 = 10। टोटल 10 चीजें, मान लो कोई भी 10 चीजें हैं ऐसे, ठीक है, 10 मान लेना इसको, 1 2 3 4 ऐसे कट करके देख लेना आप, ठीक। तो उसमें से 2 चीजें किसके पास है, एक बंदे के पास है, 3 चीजें सेकेंड वाले के पास है और 5 चीजें थर्ड पर्सन के पास है। तो इसको देख सकते हैं 2/10 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं इसका रेशियो लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 2/10 की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा 2/10। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो तो 3/10 और लास्ट वाले लिखो तो 5/10। परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको आता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये कितना परसेंट, 20%, ये कितना परसेंट, 30%, और ये कितना परसेंट, 50%, ठीक है। निकल गया सबको, कन्फर्म हो गया। तो टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है, सबको प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए, और ये 100% ही आ रहा है। इसके बाकी दो पार्ट आप बना सकते हैं, 4 + 1/4 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 + 4। तो टोटल 5 चीजें हैं, उसको लिख लो 1/5, 4/5 वो कर सकते हैं, लास्ट वाला भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे को कि एक प्रीवियस पॉपुलेशन बता रही थी सिटी की, 25,000 थी, 25,000 लोग रहते थे वहां, कितने लोग चले गए वहां से, 500 लोग चले गए। कैसे पता चला हमें कि अब जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, 24,500, इसका मतलब कम हो गई। तो नाउ द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज 24,500, पॉपुलेशन डिक्रीज कितना हुआ, सबको पता है कि पहले कितनी थी, 25,000 थी, अब हो गई है 24,500। तो कितने की डिक्रीमेंट आया, 500 पीपल वहां से छोड़ के चले गए, यही है। अब इसका आपको एक फॉर्मूला दिख जाएगा, आप अगर आपको बुक्स में देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिख जाएगा, देखना क्या, परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू होता है कहेगा डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन हो या कुछ भी हो, यही कहेगा, ठीक है। डिक्रीज अपॉन, ये आपको फॉर्मूला दिख जाएगा कहीं भी, किसी भी बुक में देखेंगे आपको ये फॉर्मूला दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि इस चीज को समझिए, ये फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, पहले चीजों को समझिए। आप इसको ये भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना कि आपने कोई चीज 25,000 की खरीदी, अब आपने उसको बेच दिया कितने में, 24,500 में बेच दिया, आपको लॉस कितने का हो गया, 500 का आपको लॉस हो गया। फिर से बताता हूँ, आपने कोई चीज खरीदी कितने की, 25,000 की, 25,000 की खरीदी, उसको बेच दिया 24,500 में, आपने उसको बेच दिया, तो अब आपको कितने का लॉस हो गया, उसमें 500 का लॉस हो गया।
तुम्हारा लॉस लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि तो हमें परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज लॉस बताना है ना, तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखो यहाँ भी इंटू क्या है, 100 है, फॉर्मूला सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। कैसे? डिक्रीज, डिक्रीज कितना हुआ है 500, लॉस कितने का हुआ है 500 का। ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है 25,000, ठीक है। सीपी हमने क्या माना था इसको, कितने का खरीदा हमने इसको, 25,000 का खरीदा, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, कोई चेंज है। अब आप चाहो ये वाले फॉर्मूले से बनाओ, आप चाहो इस वाले फॉर्मूले से बनाओ, बात तो एक ही है, ठीक है। चीज को समझो, फॉर्मूला ठीक है, हम लोग फॉर्मूला ऊपर वाला ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें डिक्रीज बोला है, लेकिन आपको याद नहीं है तो आप कैसे याद कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग डिक्रीज कितने का हुआ, 500 का डिक्रीज हुआ, और कितना है हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन, कितनी है हमारे पास 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। देखो 250 और 500 तो कितने का पॉपुलेशन का डिक्रीज हो गया, 2%, सबको समझ में आ गया होगा। तो कितने परसेंट है पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, 2% डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज परसेंटेज होगा ना, परसेंटेज और डिक्रीज होगी, डिक्रीज परसेंटेज, तो यहाँ पर परसेंटेज निकल जाएगा डिक्रीज का कितना, 2%, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, करिए ऐसे रुका मत, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए सेम चीज जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखी वही क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिल गई है। ये क्वेश्चन आप खुद बताएंगे, बस आपको खाली बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें। देखो मेरा अरुण ने एक चीज खरीदी, कोई भी चीज खरीदी, मान लो उसने खरीदी एक कार खरीदी है, तो उसने खरीदी थी कार 3,50,000 की, 3,50,000 की खरीदी थी, जो नेक्स्ट ईयर जो उसके प्राइस हो गए वो हो गए 3,70,000, तो कितने कितने रुपये बढ़ गया, 20,000 रुपये बढ़ गया, 20,000 रुपीज बढ़ गया। सिंपल सी बात है, दोनों को देख कर कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं, इतना हमारी समझ में आ रहा है। लेकिन देखो अब यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो सिंपल सी बात है, इसका भी एक फॉर्मूला दिख जाएगा आपको, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, वही जो हमने परसेंटेज प्रॉफिट में पढ़ा था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सेम चीज है। अब मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ कि कोई चीज मैंने 3,50,000 में खरीदी और उसको मैंने बेच दिया 3,70,000 में, उसको बेच दिया तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000, तो इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ, 20,000 इंक्रीज हुआ है, सिंपल सी बात है। ओरिजिनल क्या है इसका, 3,50,000 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यारे 0 से ये कट गया, यारे 0 से ये कट गया, 35 को 300 से 200 से हमने मल्टीपल डिवाइड कर दिया, तो कर लेंगे इसको 35 डिवाइडेड बाई 200, 35 से कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 5 30 कैरी 3, 6 5 6 3 18, 18 और 320 बार जाएगा, ज़्यादा जाएगा, तो हम लोग कितनी बार करेंगे, 5 टाइम कर लेते हैं, 5 5 25 कैरी 5 कैरी 2, 5 3 15 16 और 17 माइनस कर दो कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे आपको 0 बढ़ जाएगा, 35 से देख लेंगे, 35 से कितनी बार, 7 टाइम, 7 5 35 कितना, 7 5 35 कैरी 3, 7 3 21 21 3 20 4 कितना बच गया, 5 बच गया, पॉइंट पॉइंट आया तो 0 बढ़ा सकते हैं, 31 35 कितना आ गया, 5 और 115 यहाँ कोई 0 लगा सकते हैं, तो ऐसे आता रहेगा कितना, 5.71% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ, तो शायद इतना ही हुआ होगा, ठीक है, इतने का ये 5 होल 5 अपॉन 7 आ रहा है, एक ही बात है, 5 होल 5 अपॉन 7 बोल रहा है आपको, जब इसको इसने ऐसे लिख दिया इसको, जैसे मैं बता रहा था आपको ये कितना आ रहा है, आपको 25 आ रहा था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 होल 25 अपॉन 35 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना मैं इसको, तो 5 को 5 ही रहने दो, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 25 अपॉन, इसको 5 से कट कर दो, इसको कितने में 5 से 5 से कर दो इसको 7 टाइम, कितना आ गया 5 अपॉन 7%, एक ही बात है, परसेंट पॉइंट में निकाल दीजिए या ऐसे निकाल दीजिए, एक ही बात होती है, ठीक है।
तो इसको हम लोग प्लस पॉइंट भी निकाल सकते हैं, या इसको सिंपल सिंपल कट करके सीधे लिख दीजिए 5 होल 5/7, बता चुका हूँ मैं आपको 5 होल 5/7 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो पॉइंट हमारा है उसको लिख लीजिए 5 पॉइंट जो भी है उसका परसेंटेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने लैंग्वेज तो बनाई नहीं, आप लैंग्वेज बना लीजिएगा, मैंने सॉल्व कर ही दिया है, वैसे मैं सोचा था आपको दूंगा लेकिन चलो मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वाला आप अपने छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे कितने रुपए उस पर मिले होंगे। मैंने बाई करी कितने में कह रहा है, 10,000 में बाई करी है। देखिए बताएंगे अभी, आपने कोई चीज 10,000 में खरीदी, ठीक है 10,000 में खरीदी है, आपको कितने का परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का आपको प्रॉफिट हुआ और आपने उसको बेच दिया, कितने का 20% का आपको प्रॉफिट हुआ और आपने बेच दिया। तो प्रॉफिट किसमें हुआ, इसी में तो हुआ 20%, इसका 20% निकाल देंगे, इसका 20% निकालेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कितने 2,000 रुपये, कितने रुपये 2,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। आपने कोई चीज 10,000 की खरीदी, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेची होगी वो, सिंपल सी बात है भाई, कितने में बेची होगी, 10,000 में प्लस कर दो उसको, 10,000 प्लस 2,000 कितनी 12,000, कितने में बेची होगी वो 12,000 में बेची होगी। सिंपल से आंसर तो मैंने निकाले, लैंग्वेज आप बनाएंगे, क्या लिखेंगे, आई बॉट अ टीवी फॉर रुपीज इक्वल टू 10,000, आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इक्वल टू, इसका 20% निकालेंगे 2,000, सो आई विल सेल द टीवी फॉर रुपीज, ये दो ऐसे लिख देंगे 10,000 प्लस 200 इक्वल टू 12,000, ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला आप खुद बनाएंगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, जूली सेल वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज इतना सी लॉस, उसको लॉस हुआ है उसमें, अभी आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने प्लस कर दिया, लॉस हुआ तो क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। आपने कोई 10,000 की टीवी खरीदी, मान लो कोई भी चीज खरीदी थी, आपको 20% का लॉस हो जाता उसमें, तो क्या कितने का लॉस होता, 2,000 का लॉस हो जाता, ये तो आता समझ में, 10,000 की टीवी खरीदी 2,000 का लॉस हो गया, तो कितने में बेचोगे उसको, 8,000 में बेचोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। वही आपको कह रहा है जूली वाले में कि आपने वॉशिंग मशीन खरीदी जूली ने 13,500 की, उसको लॉस हुआ कितने परसेंट का, 20% का, तो क्या निकालेंगे 13,500 का 20% निकालेंगे, जो भी आएगा उसको क्या कर देंगे 13,000 से माइनस कर देंगे, उतने में इसने बेचोगी। खुद के लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये आपके बहुत काम का सब्जेक्ट है, मैं सब पढ़ाते रहूंगा तो आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड से देखेंगे, ब्लैक बोर्ड से देखेंगे और लिख करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं आई तो आप पूछिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।